तुम्हारी शक्ल देख के हम बोल देंगे कि हम एक यूट्यूबर हैं, तुम्हारे कोई ना कोई सुनने के लिए दे ही देगा। अब ब्लॉग में बने खट्टा नहीं है मीठा। यहाँ से आपको पूरा सोलन ऐसे नजर आएगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं कि सब हम सब ने मैचिंग मैचिंग कर ली। यहाँ भी देखो भानु ने मैचिंग किया, मैंने सबने हमने इतनी खुशी मैचिंग किया है। और अभी टाइम हुआ है, क्या टाइम हुआ है मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी टाइम हुआ 4 बजे शाम के और हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह में, जो सोलन की सबसे खूबसूरत जगह है। तो हम कहाँ जा रहे हैं आप ब्लॉग में बने रहो, आपको पता लग जाएगा। तो चलो अभी हम चलते हैं, फिर रास्ते में आते हैं। ये है टैंक रोड और ये है आपका चौक, ये हॉस्पिटल वाला चौक। और यहाँ से जाएंगे हम ऊपर को और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में लगे नरसिंह देव जी का मंदिर है यहाँ पे। ऐसे भी हम रास्ते में पहुँचे हैं और यहाँ पे देखो तो हम तीनों, और अभी हम खाने पीने का सामान ले रहे हैं क्योंकि ट्रैक बहुत लंबा है। कितना लंबा ट्रैक है, कम से कम हमारे को 1.5 घंटा लगेगा यहाँ से जाने के लिए। और मैं आपको बताता हूँ कि रास्ते में ये आखिरी शॉप लगेगी आपको, तो यहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं आप। हाँ, यहाँ से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं और यहाँ से अपना ट्रैक आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से। अब हम इन दो रास्तों में से अब देखते हैं इन दोनों रास्ते में से हम कौन से रास्ते में जाएंगे। और मौसम एक नंबर मौसम हो रहा है यहाँ का, और क्योंकि सनसेट होने वाला है वहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। सबसे ज़्यादा हाइट की जगह यहाँ पे सोलन में। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं यहाँ से और अभी हमें रास्ते का पता नहीं, तो अभी रास्ता विशाल जा रहा है आगे। अच्छा अच्छा यही रास्ता जाएगा, तो हम सही रास्ते से। अच्छा अच्छा यहाँ से रास्ता ये। अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू। देख सकते हैं यहाँ पे मिले हमारे को, हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं फेगुड़े हैं, और ये फेगुड़े का पेड़ है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इसको क्या बोलते हैं इस पेड़ को। और ये रास्ता अभी आगे जा रही है गीत भानु और आगे जा रहे विशाल। अब देखते हैं, अरे इनको कन्फ्यूज़ हो गए हम कहाँ से जाएँ, कौन से रास्ते से जाएंगे। हम कन्फ्यूज़ हो गए कौन से रास्ते से जाए, तो आप भी कन्फ्यूज़ मत होना। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से ये दो रास्ते मिलेंगे, तो आपने इस रास्ते से जाना। हम बहुत कन्फ्यूज़ हो रहे थे यहाँ से। हॉरर से बिल्डिंग मिलेगी रास्ते में, तो आप इस हॉरर बिल्डिंग को ना छोड़े। और यहाँ पे आप देखो ये हॉरर सा टाइप है ना, और यहाँ से यहाँ देखो आप ये चेक करो, देखो क्या लोकेशन है भाई, क्या मस्त जगह है। यहाँ से जो यहाँ से व्यू ना, अभी तो आप हम कभी हाइट में पहुँचे, पर आगे आगे तो चलते आप देखना अभी कितनी हाइट में हम जा रहे हैं। तो ये मान के चलो अभी आप हम सबसे हाइट में जाएंगे, तो उसकी हाइट हम आपको चेक करके बताएंगे। और यहाँ लगा है क्या हमारे को, ये क्या है, ये है दाड़ो। दाड़ो हमारी लोकल भाषा। हाँ, अनार का छोटा रू, अनार का छोटा भाई ये बता रहे हैं। खट्टा बहुत होता है। ओके ओके, खट्टा बहुत होता है। अनारदाना। हाँ, अनारदाना यहाँ पे बहुत होता है, ये मतलब हमारे ना यहाँ पे अनारदाना, इसको देखो। और ये देखो क्या रास्ता है अभी सच में। हमारे को लग गई चढ़ाई और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा चढ़ाई यहाँ से आपको स्टार्ट हो जाएगी। और ये पेड़ मेरे को लग, अगर हमारे को कुछ पता ना लगे तो हम इनसे पूछ सकते हैं। हमारे पास ये रिसर्च टाइप का मतलब हर चीज की रिसर्च करते हैं ये, तो आप हम वहाँ हाइट में जाके इनसे मिलवाएंगे। R&D डिपार्टमेंट के आगे इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सारी जानकारी होती है यहाँ से। और ये आपको सीधा देख सकते हैं, जो आप सामने ग्रीन सी बिल्डिंग देख रही वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये देखो आप, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं रुको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये चीज़। अब जो सोलन के हैं उनको तो ये पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। ये है टैंक रोड और यहाँ से पूरे सोलन को सप्लाई होती है पानी की। और ये जो बोलते हैं कि पानी का टैंक है, तो अभी हम कभी नहीं आए तो हम आपको दिखाएंगे। और जो मौसम हो रहा है ना, एक नंबर मौसम हो रहा है यहाँ से सच में। और ठंडी ठंडी हवा, वेदर का फुल एंजॉय हो रहा है यहाँ पे। और सामने मज़ा आ रहा है अभी सच में, एक नंबर मौसम हो रहा है आज तो। हमारी थोड़ी सी लड़ाई, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मैं थक गई हूँ, अब मैं कैसे जाऊँगी कैसे जाऊँगी। तो अब देखते हैं अब हम कैसे जाते हैं। और खुशी को बोल रहे कि आप उठाओ, अब मैं सोच रहा हूँ भी हम कैसे जाएंगे। अभी तो हमने स्टार्ट किया ही है, चलो कोई बात नहीं अभी हम पहुँच जाएंगे आस्ते आस्ते धीरे 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 धीरे। अभी देखिए आप, ये है यहाँ का टैंक, पानी की कोई दिक्कत नहीं होती सोलन में यहाँ पर। और ये पूरा टैंक है पानी का। और यहाँ पे क्या मस्त लोकेशन है, बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे खड़े होकर नहा सकते हैं। तो गाइस ऐसा ना आप ट्राई करें, ऐसा चेक ना करें आप यहाँ पे। तो यहाँ से ये देखो पानी का टैंक, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा यार, खुशी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। टैंक देखो कितना बड़ा टैंक है। हाँ यहाँ पे देखो ये, और यहाँ पे सनसेट होने वाला है। और अभी हमारे को जाना है उस हाइट में, तो आप सोच सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम इतनी हाइट पे जाने वाले हैं, कैसे जाने हम कैसे पहुँचेंगे यहाँ पे।
और मौसम बहुत खराब हो। कैसा लग रहा है? इनको पानी से डर भी बहुत लगता है, पानी से डर भी बहुत लगता है। भानु रहता लगता डर ज़्यादा नहीं, भानु को लगता, पर इनको पानी से बहुत डर है। खुशी आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ ये देखो कैसा लग रहा है, देखो तो कितना अच्छा है ना। चलो से चलेंगे वापस, यहाँ पे बहुत अच्छा है, मतलब इतना सुकून मिलेगा ना आपको आगे। सबसे मेन बात मैं आपको बताता हूँ कि आपको नेचर को फील कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपको देखो इसको क्या बोलते हैं, इसको हमारे क्या बोलते हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कश्मीर बोलते हैं। तो आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे आके, देखो। तो थोड़ा सा टेस्ट करके आपको गीत बताएंगे, गीत थोड़ा टेस्ट करेंगे इनको और आपको बताएंगे कि इसका कैसा स्वाद होता है। एक भानु भी टेस्ट करेगा, देखो भानु भी टेस्ट कर रहा है, तो इनसे पूछेंगे कैसा इसका स्वाद, कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है। तो आप जब भी आओ तो आप टेस्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, ऐसे आपको बहुत मतलब नेचर की ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देखो कैसे भाग रही है दोनों, इतनी चढ़ाई लग गई इनको यहाँ से। और देखो थके तो नहीं आप? और यहाँ पे अब इस क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलते हैं आपके, इनके तो बोलते हैं, हमने पहले बताया था, अच्छी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छी बोलते हैं इनके। और हमारे बोलते हैं इसको ह्यूर, सोलन की मतलब जो ह्यूर बोलते हैं, ह्यूर ह्यूर, हाँ मतलब बगाटड़ी लैंग्वेज में बोलते हैं ना इसको, हमारे ह्यूर बोलते हैं, हमारे बोलते हैं इसको आंकड़े। अच्छा तो विशाल भाई बता रहे हैं कि इनकी आंकड़े, तो याद रखें कि अगर आंखें आपको दिखेगी तो आपने निकाल लेनी, यहाँ से जाते हुए आपको आंखें मिलेगी तो आपने निकाल लेनी, और मिट्टी मिट्टी सी आंखें होती है, और यहाँ से रास्ता मिलेगा आपको बिल्कुल पक्का पक्का सा। क्या मिला यहाँ पे, कुछ सोना चांदी मिला, क्या मिला सोना चांदी, हाँ चील के इसमें से, हाँ ये देखो आपको नेचर से जुड़ी हर एक चीज मिलेगी। और इसको खाते भी मतलब ये चीड़ के जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, रुको मैं आपको दिखाता हूँ, आगे दिखाऊंगा बताऊंगा आपको मैं इसके बारे में। हाँ और ये रास्ता छोड़ देना और इस रास्ते को फॉलो करना है ऊपर की तरफ, दो यूट्यूबर आगे जा रहे हैं, उनके भी कम 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 जा रहे हैं, बाय बोलेंगे जोड़ी, क्या बोलेंगे इसको, गुफा है हां गुफा टाइप ही मिलेंगे गाइस आपको, जो अब नेचुरल जिसको बोल सकते हैं बॉडी, बॉडी टाइप की बॉडी थी ये, नेचुरल बॉडी बंद हो चुकी है और इसकी जगह बन चुका है एक अब आर्टिफिशियल बॉडी, बिकॉज़ यहां पे पाइप यहाँ से हो गया है जंगल शुरू, ये है बांध का जंगल और इधर है चील का जंगल, इधर आग भी लगी है साथ में, और आग लगने का कारण है गर्मी और जो ये होते हैं इसकी पत्तियाँ, ये जब सूख जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा आग लगती है, जब एक बार आग लग जाती है तो ये रुकती नहीं है। आप चलते रहिए हमारे साथ, आपको हम बहुत कुछ कर रहे हैं आगे। देख सकते हैं ये कितना हॉरर जंगल है, चारों तरफ इतनी मतलब अंधेरा है, अभी मेरे ख्याल में कि क्या टाइम हुआ, 4:30-5 बजे हो गए और इसी टाइम यहाँ पे अंधेरा होने लगता है। आगे आगे चलते देखते क्या मिलता है हमें आगे। सांसे से बोल गए क्योंकि भाई चढ़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे चढ़ने को ऊपर को, और यहाँ पे पीछे यहाँ हमारा बांध का जंगल खत्म हो गया, और जो आगे हमारे जंगल लगेगा वो जंगल लग रहा है हमारे को चीड़ का, जो मैंने आपको भी आपको नीचे बात कर रहा था मैं, इसमें चीड़ के जो यहाँ पे ये होते हैं ना कस्टर टाइप होते हैं, आप कमेंट करके बताएं कि आपको क्या बोलते हैं आपके इसके, इतनी शांत वातावरण सिर्फ आप उसको फील करो। देखो आपको सुनाई दे रही होगी, ये हमारा एनवायरनमेंट है, और यहाँ पे ना पीछे जैसे शायद आग लगी होगी तो सारे जंगल पे फिर कितना नुकसान होता है जंगलों को, जंगली जानवर को, जंगल यहाँ पे जो हमारे पक्षी है हर उनको नुकसान होता है, तो अपने जितना हो सके तो अपने एनवायरनमेंट को साफ रख के और गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पे देखो पेड़ गिरे हैं शायद, ये एक बार लड़ाई हो गई है कि बोल रहे कि मैं चलन जा रहा, हम इनको बोल रहा कि चलो चलो अब खुशी को मेरे को लेके चलना पड़ेगा, इनसे चलन जा रहा, और हालांकि ये मेरे ज़्यादा चलते हैं बट इनसे नहीं चला जा रहा है, चलती थी हाँ। तो अब देखो इस बात में लेके हमारी बहुत बहस हो जाती है, चलो आपको आगे आगे बहुत कुछ देखने को मिलता रहेगा, आ गए आप चलो भाई। भाई बहुत खतरनाक वाली चढ़ाई है और अभी बहुत जाना है ऊपर, थक गए बुरी तरीके से, काफल का पेड़ और ये जल गया है, आग की लपेट में आ चुका है, और ऊपर से देखो और भी आ रहे हैं, शायद ये लोग भी उधर ही गए। तो गाइस आपको अभी रास्ते में पानी की टंकी मिलेगी, पर अभी खाली है कि भरी है अभी कोई पता नहीं, अभी हम इसको चेक करेंगे, इसका जायजा लिया जाएगा, पहले फिर चेक की जाएगी।
मुझे तो खाली लग रही है क्योंकि इसकी जो नल तो है इसमें, नल तो है इसमें बस ऊपर का। हाँ तो गाइस आप अपना पानी साथ लेके आना, पानी की बोतल साथ लेके आए, कृपया ध्यान दें इन बातों का। हाँ कौन लगेगा। तो गाइस आपको ये लास्ट पड़ाव है ना जो हमारे ट्रैक का, यहाँ पे आपको एक गांव लगेगा। अरे हमने शायद इधर से आए, कहाँ से ये नहीं, यहाँ से आपको शुरू हो जाएगा गांव, इधर से मतलब इधर से। ये सोलन की खेती, टमाटर लाल लाल टमाटर, सोलन की आन बान शान और पहचान लाल लाल टमाटर। अगर आपको चाहिए होगे तो हमसे संपर्क करना, पर अभी इसमें लगे नहीं है, अभी फूल पड़ा है। तो पे आके हम रास्ता भूल गए, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। और इतने दूर आके जा रहे वापिस, पता नहीं कब पहुंचेंगे आज। ये है शिमला मिर्च, ये एक खेत शिमला मिर्च का ये है और एक खेत ये है, देखो कितनी अच्छी हुई है। और ये सारा बारिश का कमाल है। वाव ये देखो पलम का पेड़, और कितने अच्छे लाल लाल पलम, मुंह में पानी आ गया देख के। वाव भानु चले, सिर्फ हिमाचल में ही देखने को मिलेगी भाई, वाह क्या बात है। मुंह में पानी आ गया देख के, पूरा बगीचा है यहाँ पर भी, नीचे भी और ऊपर भी। अभी दिखाते हैं आप, बगीचा है पलम का। वाव आप लोग यहाँ जरूर आना, कितने अच्छे अच्छे पलम लगे, कितनी अच्छी है की। वाव ये देखो कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, ये देखो यहाँ पे साथ में ही है। हम ले सकते भैया को, ले सकते हैं अपने लोग, वीडियो ले लें आपको। नहीं 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 आप ये तोड़ो, आप काम करने आ रहे थे कहाँ पर, अभी यहाँ पे करो फ्रेंड्स। और ये है बीन है ना, बीन की सब्जी। ये देखिए पलम, और ये देखो मैंने तोड़ लिया। वाव रुको जरा सबर करो, अब मैं इसको टेस्ट करूंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो, खट्टा नहीं है मीठा है, बहुत अच्छा है। वाव भानु खाया, हर कुछ टेस्टी है भाई, जरूर आना यहाँ पे और ये पलम जरूर खाना। वो खुद बोल लेते हैं कि खा लो आप, मना नहीं वो करते हैं। इवन उन्होंने तो ये कहा कि ले जाओ। बोलते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, और ये देखो ये कितना पुराना पेड़ है, और इसके जो पलम है ना वो यम्मी भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये देखो वापसी में जरूर खाएंगे, यहाँ से टेस्ट जरूर। खट्टे तो नहीं आंटी जी, आजकल गर्मी है ना, पुदीने की ज्यादा जरूरत होती है ना। ओके जी थैंक यू। तो आप देख सकते हैं ये देखो ये जगह ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर जो पूरा चट्टान टाइप का लग रहा है। नहीं नहीं सामान रखा है देखो, नेचुरल चीज नेचुरल होते हैं। हाँ ये देखो कितना सुनसान रास्ता। और आपको ना एक बात जरूर बोलती हूँ मैं, पहाड़ी बंदे ना किसी चीज के लिए आपको कभी मना नहीं करेंगे, इवन आपको उल्टा सपोर्ट करेंगे। ये खासियत होती है हमारी पहाड़ियों की। और ये होती है टिम्बर, ये मैंने देखा है कि ये बाहर फॉरेन कंट्री में पैसे पे मिलती है, ये दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। ब्रश की जगह पुराने लोग इसे यूज करते थे। और जो इसमें ये दाने दाने ना दिखाती हूँ मैं, इसमें कंडे होते हैं, ये जो दाने दाने हैं भाई, ये ना गैस्टिंग की बहुत अच्छी दवाई होती है। और कुत्ता भौंक रहा है और मैं भाग रही हूँ। तो अभी हम पहुँचने वाले, थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। और हम पहुँचने वाले, और देखो ये पसीना इतना ज्यादा पड़ रहा है, पता क्यों पसीना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि एक तो मौसम थोड़ा गुम टाइप सा हो रहा है, हवा नहीं चल रही ना, हवा यहाँ थोड़ी कम कम सी हवा चली हुई ना। खुशी बोलना चाह रही, कुछ खुशी कुछ बोलना चाह रही, थके तो नहीं आप? पापा पास ही है। हाँ ये मेरे पास ही, और मैं ये भी कुछ बोल रही है, इसके बहुत मजे है। और भाई जो यहाँ का मौसम है ना, मतलब हाइट पे चढ़ के जितना भी आपको बहुत ठंडा ठंडा मौसम लगेगा। हमारे कसौली में तो वैसे भी ठंडी है, बट यहाँ भी थोड़ा ऐसे मौसम है ना जो आपको ठंडा ठंडा वेदर देखने को मिलेगा।
तो अभी बहुत कुछ आगे दिखाने के लिए आप लोग में बने रहो। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर दो प्लीज प्लीज प्लीज। लाइक करने का पता क्या है, देखो आप जब लाइक करोगे ना तो हमें एक सपोर्ट मिलेगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है निखिल भाई हिमाचल, तो आपको हिमाचल की बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी, ऐसी अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलेंगे घूमने वाले। वाह क्या क्या मस्त जगह है भाई सच में। ये कितनी मस्ती मस्ती करते करते जा रहे हैं यहाँ से, कहाँ लास्ट में विशाल बोल रहा है कि हम वहाँ ऊपर जाने के लिए बहुत एकदम चढ़ते चढ़ते बहुत दूर पहुँच गए हम। और यहाँ पे फिर से इन्हें खा ली, और यहाँ शब्द नहीं इसके लिए तो, और नेक्स्ट टाइम हम पक्का वहाँ जाएंगे। अभी तो हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो अभी देखते हैं हम कहाँ पहुँच पाएंगे। आप लोग में बने रहो। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे वापसी का कोई अभी चांस है नहीं हमारा, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है। तो बोरे भी खाने का था हमारे पास जुगाड़ है, बोले सोने के लिए सोने कोई ना कोई हमारे को जगह दी देगा। मस्त जोक मारा रे, ये हसरी शक्ल देख के हम बोल देंगे कि हम एक यूट्यूबर हैं, तो हमारे को कोई ना कोई सोने के लिए दे ही देगा आज की रात यहाँ पे, क्योंकि रास्ता बहुत ही ज़्यादा भयानक होने जा रहा है आगे आगे जितने हम आगे चलते हैं। और यहाँ से देखो विशाल भाई पीछे पीछे हमारे देखो आ रहे हैं, तो अभी आपको मैं इनसे मिलाऊंगा, आप ब्लॉग में बने रहो। पहुंचने वाले, और आप देख सकते हैं कि कितनी हवा चली यहाँ पे, और बस इतनी शांति इतना सुकून मिला ना यहाँ, इतनी खुशी आगे और हवा चली ना, हाँ क्या मस्त हवा चली भाई सच में। और जो मैं सामने का व्यूज आपको दिखाऊंगा ना, आपकी तबीयत एक बार खुश हो जाएगी। पहुंच गए, और यहाँ पे हम पहुंचे हैं एक पक्की रोड में, और आप ये देख सकते हैं मनरेगा के तहत ये शायद रोड बना है, और मेरे सस्ते टूरिस्ट महंगे नहीं आज सस्ते टूरिस्ट के बाद आप देख सकते हैं कितना कुछ खाने, हाँ महंगे महंगे आदमी। और ये देखिए यहाँ पे आपको पक्का रोड लग जाएगा, और आपको जब आप यहाँ पहुँचोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप राजगढ़ पहुँच गए हो, हरिपुर धार ऐसी जगह है, हाँ इस साइड जाएंगे हम शायद। और यहाँ भी है कुछ अच्छी सी जगह है देखो, यहाँ पे अपना डेरा जमा लिया है, और अब हम यहीं पे बैठ जाएंगे, बीच सड़क में हम बैठ जाएंगे यहीं पे। देखो यहाँ पे खुशी भी सब थक गया है, और सब हम यहीं बीच सड़क में, मतलब इतनी शांति मिली ना हम हिमाचल की खासियत। देखो ये सामान ना, जो ये ना ये सामान जहाँ से आया ना सोलन से आया हम लेके आए, तो इस डर के हमारे पास मतलब उन्हें कहीं भी, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, इसको खोला नहीं ना हमने, कहीं पानी पिया ना हमने कुछ कुछ खाया, बस ऐसे लेके आ गए इसको। देख सकते हैं यहाँ पे जो कांच की बोतल है कैसे तोड़ के फेंकी है ये सारी, यहाँ पे कितनी गंदगी फैला रखी है, तो इसीलिए यहाँ पे आना बहुत मना है, सख्त मना है बिल्कुल ही, यहाँ पे नहीं आ सकते आप, क्योंकि यहाँ गंदगी मचा सकते हैं, मचाते हैं लोग आके, और बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यहाँ के लोकल जो लोग हैं गाँव वालों को, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करें, और ऐसा बोतलों को ऐसा नुकसान ना करें बोतलों का यहाँ पे आके, और यहाँ पे इतनी गंदगी ना फैलाएं। और क्या मस्त लोकेशन और क्या मस्त जगह है भाई सच में, ऐसी जगह तो ना, और जब भी आना हो तो कृपया परमिशन लेके आए, ऐसे ना ले ऐसे ना आए, आपको यहाँ पे अगर आना हो तो आप परमिशन ले सकते हैं तभी आप आ सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ नहीं आ सकते। आपको यहाँ आके आप कैसा लगेगा कि जैसे आप डेजर्ट में आ गए हो जैसो, सच में जितनी तारीफ करूँ उतनी तारीफ कम है। और यहाँ पे जा रहे हैं देखो, और यहाँ पे थोड़ी सी ठंड है, तो खुशू को ठंड का तो कोई एहसास नहीं है यहाँ पे इतना, हम को तो आदत है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, और सामने आपको इतने अच्छे घास का मैदान दिखाई देगा ना, और यहाँ एक रोड है, मैंने आपको भी बताया था अभी रोड पीछे जहाँ पे, अभी आपको बताऊंगा मैं कि रोड कहाँ से आता है, और यहाँ पे आप कैसे कैसे आ सकते हैं, और क्या क्या कंडीशन है, तो आप उस कंडीशन को पहले अगर फॉलो करो तभी आप यहाँ आ सकते हैं, अदरवाइज आपको आना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ये देखो क्या मस्त मस्त यहाँ पे पत्थर है ना, जो ये देखो ये अलग अलग आपको ऐसे पत्थर सिर्फ आपको पहाड़ों में देखने को मिलेंगे, और देखो हाँ ऐसे ऐसे जैसे किसी ने बना के करा, देखो तो ये पत्थर देखो ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इसकी शेप दी है। अगर मैं इसकी फोटो ऐसे लूंगा ना, आपको ऐसे लूंगा, तो आप इसको सिर्फ ऐसे नजर आएगा कि पूरा पहाड़ है, यहाँ से देखो आप पहाड़ टाइप का लग रहा है, और इतना तबीयत खुश हो गया ना यहाँ पे। यहाँ से हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे को सबसे बस, हाँ देखो क्या मस्त जगह है सच में, इक्वली इक्वल है, नहीं नहीं वहीं चलेंगे, वहाँ से वहाँ चलते हैं, उधर से उद्योगित कंडों के बीच से होते हुए इनको आना पड़ रहा है यहाँ पे, तातार खुशी बहुत खुश हो रही है यहाँ पे आके सच में। खुशी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके, वो देखो कंडों के बीच से होते होते इनको जाना पड़ रहा है यहाँ से। भाई अभी हम आपको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जो शायद आपने सपने में भी नहीं देखी होगी,
तत कुछ बोलो तत। और ये देखो क्या पत्थर है भाई, सच में इसको अगर नजदीक से दिखाऊं ना मैं आपको, देखो ये देखो यहाँ से देखो यहाँ। एक बात मैं आपको अपने उससे बताता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से, कि जब हम बहुत अच्छी जगह में आ जाते हैं ना तो हम नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड के कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पे जाएं सबसे ज्यादा हम कहाँ जैसे बैठे, क्योंकि इतनी मस्त जगह है ना। बस मेरे पास वही बोल रहा है कि आज मैंने ये बोल रहा है कि पता नहीं क्या करिए, खुशी शब्द तो मेरे पास है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आज। और यहाँ पे हमारे को शायद वहां से वहां जाना पड़ रहा था हमारे को शायद। अभी मैं जा रहा हूँ एक चट्टान में चढ़ने, ये चट्टान है जो यहाँ की, और यहाँ पे मेरे को शायद पता नहीं मिलेगा रास्ता कि नहीं मिलेगा रास्ता, मैं भटक तो नहीं जाऊँगा कहीं यहाँ से ये देखो यहाँ से, और यहाँ से, अरे यहाँ पे पहुँच गए हम। और रुको, यहाँ से आपको पूरा सोलन ऐसे नज़र आएगा, ये देखो आप, कि बस इस ऊपर कुछ नहीं है, ये सोलन आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये नीचे सारा सोलन है, ये आपका बाईपास वाला रोड है, और इससे ऊपर जो रोड दिखाई दे रहा है आपको हल्का हल्का सा, ये आपका बड़ोक वाला रोड है, और ये देखो यहाँ पे, और ये आपका जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो यहाँ पे ये आपका ठुड्डो मैदान दिखाई दे रहा है आपको, और ये सामने थोड़ा सा जो दिखाई दे रहा है ये आपका बाईपास दिखा दे रहा, और इस पेड़ के साथ ही साथ है जो चीड़ के पेड़ के साथ साथ ये आपका ये दिखाई दे रहा है सोलन का ठुड्डो मैदान, और इस जगह का नाम फैंटम हिल, मतलब इतना तो मेरे को भी पता नहीं क्या है क्या नहीं, बट हम इसको अलग ही नाम देंगे जो आज हम इसको नाम देंगे, क्योंकि जो मैं बताता हूँ इसको क्या नाम हम देंगे, आप लोग कमेंट करके बताना कि इस जगह को हम क्या नाम देंगे। तो इस ऊपर कुछ नहीं दिखाई देगा आपको, इस ऊपर सिर्फ पहाड़ी पहाड़ के आप, सिर्फ आपको आसमान ही दिखाई देगा। तो इतनी खूबसूरत जगह ना सोलन में कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगी, कहीं भी नहीं। और जो भाई सामने का व्यू है ना, और यहाँ पर जा रहे भानु और देखो खुशू और गीत जा रहे हैं वहाँ से, ऐसी जगह आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, इतनी मस्त जगह है ये सोलन की सबसे, मतलब ये पर सोलन की वैसे तो करोल टिब्बा है वो इस साइड को, वो सबसे हाइट पे है। तो यहाँ पे जो अगर आप आओगे सोलन सिटी में तो आप यहाँ पे ज़रूर आ सकते हैं, पर यहाँ पे बहुत कंडीशन है जो आपको मैंने पहले बता रही कि आपको थोड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी गाँव वाले लोगों से कि आप यहाँ पर आके गंदगी ना फैलाएंगे, तो आपको यहाँ पर आना कि वो दे सकते हैं, भी आप आ सकते हैं, और अब वापस चलेंगे हम यहाँ से, और जो आप सामने वहाँ जा रहे हैं ना गीत रोहन वहाँ जाएँ, नेचर को इन्जॉय कर सकते हैं, पहाड़ों को एंजॉय कर सकते हैं, कि जो पहाड़ है ना, जो यहाँ पे आके जो शांति मिलती है ना भाई, ऐसी शांति तो कहीं भी नहीं आपको मिल पाएगी, कहीं भी नहीं इतनी शांति आपको, शायद ऐसे पहाड़ तो आपको देखने को सिर्फ हिमाचल में और उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो मैं यही बोलता हूँ आपको कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको ऐसे पहाड़ ऐसे ऐसे व्यू देखने को मिलेगा। और जो मौसम हो रहा है ना भाई, एक नंबर मौसम हो रहा है, एक नंबर मौसम बोलते हैं जिसको, और इतनी ठंड हो रही ना यहाँ पे आके, यहाँ पे आके हमारे को ठंड लग रही है, और कसौली में तो हमारे वैसे भी ठंड है, पर अभी गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में आप ठंड का मजा ले सकते हैं यहाँ पे। गाइस हम यहाँ पे पहुँच गए, बहुत ही हाइट पे हम पहुँच गए, और इतनी खुशी हो रही, खुशी भी यहाँ पे, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ये देखो खुशी की कितनी खुशी हो रही है, कितनी खुशी हो रही है। और यहाँ से आप पूरे सोलन को आप देख सकते हैं, पूरे सोलन आपकी मुट्ठी में होगा, हाथ के नीचे होगा आपका, देखो पर बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, इतना ठंडा मौसम हो रहा है ना, बारिश आने को भाई सच में बहुत ज्यादा, मतलब इतनी खुशी हो रही है ना यहाँ के, तो पड़ने वाली बस। तो गाइस यहाँ पे चली छोटी सी पार्टी एक, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है विशाल भाई, मैं आपको अभी इनसे मिलाऊंगा, व्लॉग में बने रहो आप, इनसे मिलाऊंगा आपको यहाँ पे भानु, यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी, इतना ज्यादा मौसम खराब हो रहा है ना, बहुत ही ज्यादा, शायद क्योंकि हम हाइट पे है उस वजह से हमारे को ज्यादा लग रहा है, ज्यादा क्या लग रहा है क्योंकि बारी पहले यहीं पे पड़ेगी। और खुशी को देखो, तो खुशी भी यहाँ पे बड़े मजे करी, और अभी ये विशाल भाई इनसे आपको मैं अभी मिलाऊंगा ब्लॉग में बने, आप ब्लॉग में बने, आपको मैं जरूर मिलाऊंगा ना खुशी। और यहाँ पे देखो ठंडा मौसम हो रहा है फिर भी ठंडा चला, और ये चेक करें आप, ये चेक करें, अभी आपको मैं इनसे मिलाऊंगा, ये विशाल आप ब्लॉग में बने रहो। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, और यहाँ चलिए पार्टी खास है विशाल भाई, विशाल भाई बहुत ज्यादा खास है, तो आपको मैं मिलाऊंगा इनसे। और खुशी देखो, खुशी कैसे लग रहा है प्रभु भाई,
एक हिमाचली की खासियत है, मैं अब आपको बताता हूँ भी क्या खासियत है कि देखो पूरे रास्ते से हम ऐसे है। ये है विशाल भाई, इनसे आपको मैं भी मिलाऊंगा इनसे आपको मिलाऊंगा। हम पूरे रास्ते से हमने कहीं नहीं कुछ नहीं खाया ना, हमने इवन पानी तक नहीं पिया क्योंकि हमारे को इतनी ऐसी आदत है कि हम पहाड़ों पहाड़ों में से चढ़ जाते हैं, हमारे को खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। हम आराम से मम पिएगा इसको, मम पिलाता थोड़ा सा खुशी को, हम मम पिलाएंगे यहाँ पे। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। यहाँ पे होगी बारिश शुरू, बारिश होनी है शुरू क्योंकि 7 बज गए हैं और यहाँ पे हमने सारा ये जो भी हम लेके आए थे खाने पीने का, हमने सारा इसको इस थैली में डाल दिया है और अब इसको हम ले जाएंगे और जहाँ हमारे को डस्टबिन मिलेगा हम वहाँ इसको डाल देंगे। क्यों खुशी? और ये है विशाल भाई, इनसे आपको भी मैं मिला देता हूँ। जा रहे वापस और बहुत मजा आया, बहुत ही ज्यादा, इतना मजा आया ना, इतना मजा हमने शायद पहले कभी नहीं किया होगा। बहुत मजा आया यहाँ पे आके हमारे को, और इनसे पूछते हैं इनको कितना मजा आया। हाँ भानु, देखो बहुत ज्यादा, और देखो समझ रहे हो तो कितना ज्यादा, बहुत मजा आया बहुत ज्यादा। और अब चलते हैं वापस क्योंकि भाई यहाँ का जो हाँ अंधेरा भी हो गया और तो बारिश भी हो रही है और बारिश तो पक्का अंधेरा हो गया होगा उस वाले जंगल में। हाँ उस जंगल में अभी आप देखना 100% अंधेरा। हाँ क्योंकि वो ऐसा जंगल है ना घना जंगल, उसमें तो आपकी जगह ना यहाँ बाद में अंधेरा होता है। तो आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और भानु को होगी खांसी, अगर खांसी अगर 3 हफ्ते से ज्यादा हो बारिश होगी सच में होगी सच में गाइस, अब तो बारिश होगी और अब तो जल्दी जल्दी भागना पड़े, जल्दी चलो। ये देखिए पूरा सोलन और लाइट्स जल चुकी है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कितना ही लेट हो गई है और अभी हमें कसौली जाना है। चलो चलते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी मिल गई है कि हमारे को यहाँ पे अंकल ने बोला है कि आप पलम ले जाओ, खुद बोला और भी पलम ले जाओ। अब हम चोरी करेंगे, अब हम चोरी भी नहीं चोरी तो हम क्यों करेंगे, जो पलम निकालेगा जो वो भानु निकालेगा भाई, एक पर पेट बचाने का काम है। चलो अगर आंटी जी आ रहे देखा कैसे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आलू की खेती कितनी अच्छे से की हुई है। देखो ये देखो यहाँ पे ये आलू का पूरा खेत है यहाँ पे सारा, देखो ये 2 खेत है आलू के खेत हैं यहाँ पे नीचे। यहाँ से पहले चलो नीचे वहाँ निकाल लेंगे भानु, चलो वो वाला जो हाँ वहाँ से निकाल लो, कहीं से भी निकाल लो, हमारे को परमिशन दी गई। हाँ हमने खुद भी पूछा भी नहीं, उन्होंने बोला कि बेटा पलम ले जाओ रे पहले पलम तो खाने के पिए तो यहाँ पे पलम निकालने के लिए देखो भानु भी लगा है, ये गेट भी लगी है और बड़े बड़े पलम भी है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे भी है। क्या हुआ और इनके कुंभ कुंभ लग गए और एक गाइस मैंने भी निकाल लिया है, बहुत ही अच्छे हैं यहाँ पे खाने के। आप निकालो ना आगे चलते हैं वहाँ पर, तो आप परमिशन मिले तभी। ये लो लो पकड़ो, ये देखो आपको परमिशन मिलेगी तभी आप किसी के बगीचे में जाए, अदरवाइज ऐसे मत जाए क्योंकि हमारे को तो उन्होंने अंकल ने बोला है कि आप निकाल लो तो हम निकालने जा रहे हैं। देखो और यहाँ पे सारे लगे ले पलम, पलम का पूरा बगीचा है और भानु हमारा आके पलम निकालने वाला का कांटेक्ट भानु को दिया है हमने सारा, क्योंकि पेड़ में चढ़ता है भानु चढ़ता है। और आगे तक देखो सारा ये आपको यहाँ से आती बार भी लगेगा आपको और जाती बार भी लगेगा, तो आप पहले पूछ ले गाइस। इसने बोला कि इसको पकड़ने, तो इसे पकड़ने का काम मैंने ले लिया है और देखो सारा और भानु दोनों दोनों हाथ से लग गया है, मामू जल्दी जल्दी से हो जाएगा और एक खुशी को भी पलम दे दिया। मेरी छोटी सी वीडियो क्लिप बना रहा हूं तो गाइस अगर आपने अभी तक भानु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भानु के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पहले मुझे इतना फेमस कर दो देखो एक बढ़िया वीडियो बना दो, देखो ऐसे ही बोल रहा है मेरी वीडियो बना लो, मैंने बोला कि हमारा स्टार यही है। हाँ इसी से शेयर कर देंगे भानु को। और यहाँ पे अब हम आपसे एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उम्मीदा बहुत ही होनहार को मिलाने जा रहे हैं, ये है विशाल भाई और ये है मेरे बहुत ही अजीज बहुत ही क्लोज बहुत ही मतलब जितनी तारीफ करूँ कम है। तो ये इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। हाँ जी भैया जी आप क्या बोलना चाहेंगे? आज बहुत मजा आया हमारा, मतलब हम काफी टाइम से इस प्लान इस ट्रिप को प्लान कर रहे थे तो आज फाइनली मैंने और निखिल भाई ने इस टूर को इस ट्रिप को इस मिनी ट्रैक को हमने प्लान कर लिया और बहुत मजा आया। अभी हम
पलम तोड़ रहे हैं और बहुत मजे कर रहे हैं इधर, तो फुल मजे आ रहे हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब कुछ करें, निखिल भाई के चैनल को फैला दो। और देखो, अरे यहाँ जोड़ गया कि मामू इसमें डाल ले, मेरे को डालने दो इसमें। निकल भाई इधर। चलते चलते बहुत टाइम हो गया और अभी टाइम हुआ 7:30 से ज़्यादा टाइम हो गया, और देखो कितना अंधेरे है आगे को, और ये जंगल है ना बहुत ही सुनसान जंगल है, तो आप कृपया ये ध्यान दें इस बात का कि रात ना करें, क्योंकि रात क्योंकि जंगल में कुछ भी हो सकता है, आपको पता है जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा होता है, और इतना हॉरर टाइप का जंगल है ना, देखो आपको पता नहीं लग रहा होगा अभी आगे कौन कौन चल रहे कौन नहीं चल रहे। हमें चलते चलते कितना अंधेरा हो गया, देखते देखते बहुत अंधेरा हो गया, और पता नहीं लग रहा कि हम कब पहुंचेंगे। और जैसा अभी देखो वो तो घना जंगल, देखो कितना घना जंगल, और रास्ता आपको दिखाई दे रहा है अभी कैसा रास्ता है यहाँ देखो तो, और इस रास्ते से तो बस क्या ही बोलूँ मैं और क्या ना बोलूँ। देखो इस रास्ते का आपको हमारे ऊपर से पता नहीं क्या गिरा ऊपर से लगता है कुछ पेड़ों में है, डर ही लगता है। और देखो तो कितना अंधेरा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहे हो हम कितना अंधेरा है देखो यहाँ पे, और सिर्फ रास्ता कुछ ऐसा ही है यहाँ से, डर तो लग रहा आपको कुछ में दिखाई दे रहा है। हाँ ये रास्ता ना बहुत ज़्यादा सुनसान टाइप का है, तो इस रास्ते से आप ध्यान से आए। A few moments later. तो है एवरीवन, नए दिन की एक शुरुआत होगी, और रात को हम बहुत लेट पहुँचे ट्रैक से, और सब थके हुए थे और बिल्कुल ही मन नहीं था कैमरा उठाने का, तो इस ब्लॉग को मैं अब सुबह एंड कर रहा हूँ। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब से हमारे हिमाचल टूर की शुरुआत होगी, तो आपको हिमाचल टूर घूमने को मिलेगा हमारे साथ। हिमाचल में 12 डिस्ट्रिक्ट है, और 12 डिस्ट्रिक्ट आपको घूमने को मिलेगी। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हुई है, तो आई होप हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ला के देंगे, अच्छे से अच्छा व्लॉग ला के देंगे। तो बस आपने क्या करना है, आपने घर बैठे सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल का नाम है निखिल भाई हिमाचल, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, सारी जगह शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी घर बैठे हिमाचल घूमने का मौका मिल सके, आप लोगों को भी हिमाचल घूमने का मौका मिल सके। आपको उसमें पहाड़ और कैंपिंग और ट्रैकिंग और रिवर्स बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और स्नो इतनी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी ना कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, इतनी गर्मी में भी आप ठंड का मज़ा लोगे हमारे साथ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगा, बाय बाय, टेक केयर।